देश की आज़ादी के 72वें वर्षगांठ पर देश भर में तिरंगा लहराया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडे ने कलेक्ट्रेट परिसर में झंडारोहण किया, जिसके पश्चात उपस्थित लोगों ने एक स्वर में राष्ट्रगान किया। इस मौके पर जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडे ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया, जिसके पश्चात कलाकारों द्वारा देशभक्ति पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों बच्चों ने देशभक्ति पर आधारित मनमोहक गीत और नृत्य की प्रस्तुति की। इस मौके पर सभी SDM के साथ अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आए थे, औद्योगिक क्रांति, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भारत पीछे रहा, लेकिन ये चौथी क्रांति आने जा रही है, चल रही है, इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन। इसमें भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सबके पास मोबाइल है, 1 लाख घरों में, 1 लाख गाँव में भारत सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर के जरिए इंटरनेट पहुंचाने का काम किया है। ये देश आगे बढ़ रहा है, आइए मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं, इस प्रगति के भागीदार बने, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बात करें और हम देश के लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचें। जिस पद पे हैं उस पद पे अपने देश के लिए भला करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। पुनः उन शहीदों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सरस्वती देवी का और 5,000 रुपये का चेक उन्हें महोदय कर रहे हैं। ये सवाल है और ये एक चेक जो आपको अनुदान स्वरूप दिया जा, आपको भी सवाल और 5,000 रुपये का चेक। अब शुक्ला सम्मान स्वरूप सवाल और 5,000 रुपये का अनुदान जिलाधिकारी स्वर्गीय राम निहोर। तालियां एक बार आपके लिए। ये एक सम्मान है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, एक सम्मान जिला दी। अभी हमारे बीच में कार्य रखते हैं, ये मुझे बॉर्डरमैन BSF के जवान का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत कुछ उन्होंने बताया है जो हम कर... मैं कुछ कहना चाह रहा था कि वो जाते नहीं हैं, वो तो अमर होते हैं, सीमाओं पर शहीद होने वाले अमर होते हैं। आज के इस 15 अगस्त के उपलक्ष कहते हैं, धैर्य से को में मानो के रक्षको में, अब पथ पर से को में मानो के रक्षको में, देखो देखो चमक रहा है सोने के अक्षरों में, कैसे जैसे गगन तारा, जैसे गगन तारा, यह देश का सिपाही, यह देश का दुलारा। और हमारे पहले जो कितने लोग अपने संबोधन में बताए, जो कितने लोग इसको देश का कुर्बानी दिए हैं उसको याद रखने के लिए, याद करने के लिए। देखिए जो 72 साल यानी जो 3 पीढ़ी कहते हैं, एक पीढ़ी का 30 साल मोटा मोटा माना जाता है, एक जनरेशन का 30 साल मानते हैं। अब हम लोग 72 साल यानी तो तीसरा पीढ़ी में है। पहला पीढ़ी लोग जो कुछ लोगों का मैं सम्मान किया हूँ और कुछ लोग हम लोग के साथ नहीं है, वो उन लोग जानते हैं दर्द, जो गुलाबी का दर्द जानते हैं, महसूस किए हैं, उसे जिए हैं, उनको पता है स्वतंत्रता का क्या मतलब। दूसरा पीढ़ी है वो हम लोग हैं, जो इतने लोग अभी हम लोग पढ़े हैं किताब में, सुने हैं, देखे हैं थोड़ा बहुत, इसलिए हम लोग को भी याद है। जो आगे वाले पीढ़ी है, हमारा बच्चे ले ले जो भी है आगे वाली पीढ़ी, उन लोग का अभी देशभक्ति और देश गीत उसे सुनने में भी पसंद नहीं है। अब मूवी जो किसने देशभक्ति का होता है तो फ्लॉप हो जाता, मूवी भी नहीं चलता, किताब में भी मुश्किल से अभी हिस्ट्री कोई लेता होगा, हिस्ट्री पढ़ाई जो इतिहास कोई पढ़ते पढ़ते भी नहीं, कहीं सुन लिया बस ठीक है। उनको नहीं पता गोरखपुर में कितने लोग बलिदान दिए, चोरी चोरा का कांड क्या है, क्या हुआ है, उसका आज़ादी क्या है, हर जगह का कुर्बानी हुआ है यहाँ। और उसके बारे में तो उनका आगे पीढ़ी का जनरेशन नहीं था कि वो पैसा के पीछे पड़े, एक तरफ से वो भी सही भी है, ताकि तो ठीक है देश दुनिया तो ठीक है, उनका पेट के लिए क्या किया, वो पूछते यार देश हमके लिए क्या किया, क्यों देश के बारे में सोचना है।
मैं यही बताना चाहता हूं, हम लोग तब आजाद हुए, आजाद के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हम लोगों के ऊपर आया है, ताकि पूरा अधिकार हम लोगों को मुट्ठी पे आ गया। वोट का ताकत से हम लोग चुनते हैं किसको हम लोग सत्ता में बिठाना है, भेजना है। जो मुद्दा लेके हम लोग के सामने आते हैं वो मुद्दा पे विचार करते हैं, उसी हिसाब से वोट देते हैं। कुछ लोग उसका फायदा भी उठाते हैं, कहीं धर्मगत बात से, जातिगत बात से हम लोग को बंटवारा भी कर देते हैं, उससे वोट हासिल कर देते हैं। कुछ लोग विकास का मुद्दा सामने रखते हैं, उसे हासिल करते हैं तो आगे बढ़ता है। हम 5 साल इंतजार करते हैं, भाई ये क्या किया है, उसके बाद क्या। हम लोग हाथ में इतने बड़ा ताकत है, भारत में सबसे ताकत वाले जो भी शक्ति है उसको 5 साल में हम हिल सकते हैं, निकाल सकते हैं, उतनी ताकत हम लोग के हाथ में। बट एक चीज हम लोग तीसरी पीढ़ी में जो हम लोग हैं, एक चीज में हम लोग जो किताब विताब पढ़ते रहते हैं उस पर, हर देश के गुण होता है, नेशनल कैरेक्टर है, उसको रिसर्च हुआ है यार। अंग्रेजी का गुण क्या है, जर्मन का गुण क्या है, कैरेक्टर क्या है, भारत का गुण क्या है, उस पर एक लिस्ट किए हैं उस पर यार, भारतवासी के ये गुण है। तो प्रथम नंबर वन, दूसरा का कमियां निकलना है। हम हमेशा तो सुबह सुबह चाय में भी देखेंगे, चाय का दुकान में वो बताता है प्रधानमंत्री क्या करना चाहिए था, मुख्यमंत्री क्या करना चाहिए था, ये नहीं पता खुद का चाय नहीं बनाने आता है, वो सोचता नहीं है, तो उनको कोई मतलब नहीं है। हम लोग आदत बन चुके हैं, अब सुबह से तो माँ बाप का कमियां निकलते हैं, भाई की कमियां निकलते हैं, पढ़ाई में कमियां निकलते हैं, रोड पे कमियां निकलते हैं, निकलते निकलते हम लोग को आदत बन गया। हम लोग को नहीं पता है कैसे बेहतर चीज होती है, केवल कमियां निकलने में हम लोग माहिर हो गए। ऐसे नहीं कह रहा हूं तो और देश में नहीं है, और देश में भी है, बट ऐसे नहीं है। हम लोग कुछ देंगे तब वही वापस आएगा वो चीज। हम इस देश के लिए क्या किए, बनाने के लिए, साफ सुथरी रखने में, जो भी चीज ले, जो भी आपका जिंदगी मिले, वही दुनिया कर्मा में भी वही बताती है, जो हम लोग जो वेद में और जो भी चीज हम लोग धर्म, किसी भी धार्मिक फॉर्म में बताएं, जो अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे रेस हो गया है, उस पे मेढक का आपस में कंपटीशन है, कौन पेड़ का ऊंचाई में चढ़ेगा उनका इनाम मिलेगा। सारे मेढक दौड़ पड़ा है, फिर सारे जानवर देख के हंसने लगे, अरे मेढक चीज है ये, कहाँ जा पाएगा। फिर तो इन लोग पूरा दौड़े धीरे धीरे, तो फिर पेड़ में चढ़ने लगे, उसके बाद फिर सारे जानवर उसे क्रिटिसाइज करने लगे, कमियां निकला, अरे ये कहाँ बात है। फिर धीरे धीरे सुन के सारे मेढक तो गिर पड़ा, धीरे धीरे 2-3 मेढक आगे तक, 3 मेढक आगे तक निकल गया, ऊपर पहुंचने तक पहुंच गया, तो फिर भी तो क्रिटिसिज्म नीचे से आ रहा है, यार कहाँ पहुंचने वाले, फिर भी 2 मेढक नीचे गिर गया, फिर 1 मेढक तो ऊंचाई तक पहुंच गया, तो पता है तो कैसे पहुंच गया, तो बुलाओ उनका सम्मान करेंगे। फिर पता चला वो तो श्रवण बाधित मेढक है, वो सुनता उनता नहीं। ऐसे देखिए तो हम लोग को नेगेटिविटी पूरा है, पूरे सबका मुंह का हम लोग काला नहीं बता सकते, तो बंद नहीं कर सकते। ये चीज तो जरूर है, कौन सी चीज सुनना है, कौन सी नहीं सुनना है, उसको अमीरों को फिल्टर करना पड़ता है। ये देश बनाने के लिए कोई बाहर से आएगा नहीं, अमीरों को बनाना पड़ेगा, ये हमारा देश है।